हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टाफ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ यस टाइप कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का सेशन, जहां पर हम मई 2021 का पार्ट टू, 30 क्वेश्चन जो पार्ट टू के हैं, वो डिस्कशन करेंगे। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, प्लीज़ यस टाइप कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। हाय अल्पना, हाय निधि, विनीत, शीतल, अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, प्लीज़ यस टाइप कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम आगे बढ़ सकें। कैन सी अल्पना, निधि, विनीत, आप लोग ऑनलाइन हैं, तो प्लीज़ यस टाइप कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू कैन सी मी, इफ आई एम ऑडिबल। हैप्पी टीचर्स डे अल्पना कह रहे हैं, थैंक यू। हेलो गाइस, इफ यू कैन सी मी, इफ आई एम ऑडिबल, प्लीज़ यस टाइप कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन so that we can proceed. yes 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 thank you Nitish, Alpna, yes right. तो यहाँ पर हम UPSC prelims 2021 के 60 most important questions from each month May 2021 का part 2 discuss कर रहे हैं। सबसे पहला question आपके सामने है, recently government of Kerala declared mucormycosis as a notifiable disease. Consider the following statements with regard to notifiable diseases in the Indian context, right? So, पहला statement यहाँ पर है, a disease is declared notifiable under the provisions of the Disaster Management Act of 2005. The declaration as a notifiable disease means the government has to be mandatorily informed about any case that is detected, right? ये हमारा क्वेश्चन है। म्यूकोरमाइकोसिस को रिसेंटली नोटिफाइबल डिसीज डिक्लेयर किया गया है, तो वी शुड बी नोइंग व्हाट नोटिफाइबल डिसीज इज एग्जैक्टली। सो इफ यू हैव एनी आइडिया ऑन नोटिफाइबल डिसीज, प्लीज आंसर करिए इस क्वेश्चन को। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर है, डिसीज इज डिक्लेयर्ड एज नोटिफाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ विच एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। क्या ये सही एक्ट है अगर आपको लगता है? एंड देन सेकेंड स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन अगर किया जाता है नोटिफाइबल डिसीज का, दैट मीन्स द गवर्नमेंट हैज टू बी मैंडेटरीली इन्फॉर्म्ड अबाउट एनी केस दैट इज डिटेक्टेड, राइट? सो प्लीज आंसर्स अपने देना शुरू कर दीजिए। आप आंसर्स देने के लिए आप क्वेश्चन नंबर और उसके साथ में आपका जो भी आंसर है वो दीजिए। विनीत ने सबसे पहला आंसर किया है यहाँ पर, इन्होंने आंसर किया है सी, इन्होंने कहा है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर नीरज कह रहे हैं द आंसर इज बी, और कोई आंसर करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? प्लीज ठीक से पढ़ लीजिए, नोटिफाइबल डिसीजेस यहाँ पर जो फैक्ट्स है आपको सही से पता होना चाहिए। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इससे रिलेटेड जो भी स्टैट्यूट है, जो एक्ट है, वो आपको सही से पता होना चाहिए। तो विनीत, नीरज ने आंसर किया है, यहां पर हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इज नॉट करेक्ट। एंड सेकंड स्टेटमेंट यहां पर एग्जैक्टली सही है, नोटिफाइबल डिसीज अगर डिक्लेयर किया जाता है देन मैंडेटरीली एक भी केस को आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। कौन सा एक्ट के तहत नोटिफाइबल डिसीज ये डिक्लेयर किया जाता है? एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत ये डिक्लेयर किया जाता है, राइट? तो ये जो है, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट व्हाइल द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सॉरी, आई थिंक देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज एपिडेमिक डिसीज एक्ट है, इट इज नॉट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एंड सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर सही है, राइट? So is it clear? If you are still able to hear me, see me, please yes type कर दीजिए in the comment section. I think there is some technical issue. If everything is fine, please yes type कर दीजिए in the comment section. Hello guys, is फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, एपिडेमिक डिसीज एक्ट करेक्ट आंसर था यहां पर। इफ एवरीथिंग इज फाइन, प्लीज यस टाइप कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन।
यस यस क्लियर अल्पना कह रहे हैं इट इज क्लियर. सो लेट अस मूव अहेड. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. आपका सेकंड क्वेश्चन है नेग वैक. ये जो नेग वैक टर्म है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. रिसेंटली न्यूज में था इट इज मैंडेटेड विद द टास्क. व्हाट इज द टास्क ऑफ नेग वैक राइट. सो नेग वैक का टास्क क्या है वो पूछा गया है. यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लू प्रिंट टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम. Then create digital infrastructure for inventory management and delivery mechanism of the vaccination for COVID-19. Investigate physical, chemical and biological conditions on the seabed. Third statement दिया हुआ है यहाँ पर हमारा fact जो है वो seabed है. Then ensure proper implementation of the schemes and policies for women and child welfare. Right? तो इसमें से जो भी आपको सही लगता है ABCID please mention कर दीजिए. यहाँ पर important जो facts है जो terms है वो आपको पता होना चाहिए. You should be able to differentiate यहाँ पर. This is related to digital health ecosystem. First statement, second statement यहाँ पर है with respect to vaccination for COVID-19. Third statement है seabed से related and the fourth statement यहाँ पर है women and child welfare. So जो भी आपको सही लगता है ABCID please mention कर दीजिए in the comment section. Second question का answers काफ़ी लोग दे रहे हैं. 2A कह रहे हैं, B निधि कह रहे हैं, B एंड नीरज, B अल्पना, B शीतल, B एंड UPSC फंडामेंटल भी कह रहे हैं. सो वेरी गुड गाइज, आप लोग लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को जानते हैं. तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर. दिस इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ द वैक्सीनेशन. ठीक है, वैक्सीनेशन के इस इन्वेंट्री मेंटेनेंस से रिलेटेड है जो कि ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा. सो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही बी हो जाता है. थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्वेंसी मार्जिन इज डिनोटेड बाई. फर्स्ट यहां पर स्टेटमेंट है वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इसका जो है डिवीजन, या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देन द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, डेट इक्विटी रेशियो. जो भी आपको सही लगता है प्लीज मेंशन कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन. सॉल्वेंसी मार्जिन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. तो इसका जो भी आपको सही आंसर लगता है मेंशन कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन विद द क्वेश्चन नंबर. सो वैल्यू ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सेकेंड वन है, थर्ड है वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, देन फोर्थ इज डेट टू इक्विटी रेशियो. सो नितीश इसका आंसर दे रहे हैं ए. नितीश का आंसर यहाँ पर आ गया है ए. कोई और इसको आंसर करना चाहेगा प्लीज आप आंसर करने की कोशिश करिए. थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नीरज ने दिया है ए. तो प्लीज गाइस थोड़ा सा सोचिए क्या ये सही आंसर है या नहीं. थोड़ा सा आप सोचिए राइट. यू शुड बी नोइंग ऑफकोर्स टर्म्स से आपको वो सही लग रहा होगा. ओके अल्पना ने पास कर दिया है सॉल्वेंसी रेशियो. निधि ने स्किप कर दिया है. शीतल कह रहे हैं सी राइट. आई थिंक यहाँ पर शीतल ने बाजी मार ली है और आंसर इसका सही है सी राइट. सो वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज का डिफरेंस को हम सॉल्वेंसी मार्जिन कहते हैं. इट इज नॉट द रेशियो, इट इज द डिफरेंस राइट. सो मिनिमम एक्सेसेस ऑन एन इंश्योरेंस एसेट्स ओवर इट्स लाइबिलिटीज विच इज nothing but denotion of the difference as far as the question is concerned. So हमारा answer यहाँ पर हो जाता है C. Option C is correct. Fourth question आपके सामने है. Fourth question कह रहा है consider the following statements with respect to National Crisis Management Committee set up by the Indian government. So recently National Crisis Management Committee को set up किया गया है. First statement यहाँ पर दिया गया, it is chaired by the Cabinet Secretary. Is it Cabinet Secretary? Is it Prime Minister? क्या है? थोड़ा सा आप कंफ्यूज होइए. अगर आपको पता है यू कैन एग्जैक्टली आंसर दैट. इट इज द की कमिटी इन्वॉल्व्ड इन द टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट. सो फोर्थ क्वेश्चन यहां पर है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी से रिलेटेड. जो भी आपको सही लगता है ABCID प्लीज मेंशन कर दीजिए. आप पास लिख रहे हैं, इज इट फॉर द फोर्थ क्वेश्चन प्लीज वो भी सही से आप बता दीजिए. प्लीज मेंशन द क्वेश्चन नंबर सो दैट मुझे पता चले कि आप कौन से क्वेश्चन के बारे में यहां पर कह रहे हैं.
So this question is related to National Crisis Management Committee. It is chaired by the Cabinet Secretary. Is it Cabinet Secretary or is it somebody else who chairs this, right? So इससे related यहाँ पर आपको answer करना है. राइट, निधि ने सी आंसर किया, अल्पना बी कह रहे हैं, अमलान ये बी कह रहे हैं. आई होप ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो. और नीतीश यहाँ पर इसका आंसर सी कह रहे हैं. तो इसका सही आंसर है सी, कैबिनेट सेक्रेटरी ही इसको चेयर कर रहे हैं. एंड यहाँ पर ये टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है. राइट, एज फार एज डिजास्टर मैनेजमेंट इज कंसर्न, रिसेंटली इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया है. एंड यू शुड बी नोइंग दीज फैक्ट्स अबाउट इट. सो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने है. फिफ्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्पेस इन न्यूज डोमेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर है विद रिस्पेक्ट टू मिटियोराइट्स. मिटियोराइट्स आर द ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस विच आर ऑल्सो नोन एज स्मॉल एस्ट्रॉइड्स इन स्पेस. सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर है, अ मिटियोर दैट सर्वाइव्स द एटमोस्फियर एंड हिट्स द ग्राउंड इज नोन एज मिटियोरॉइड. राइट, तो यहां पर दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल और क्लासिक ये क्वेश्चन है जिसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं मिटियोराइट, मिटियोरॉयड और मिटियोर का. सो प्लीज आप जो है इसका आंसर करने की कोशिश करिए, ए बी सी आई डी जो भी आपको सही लगता है विद द क्वेश्चन नंबर. फिफ्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मिटियोर, मिटियोराइट, मिटियोरॉयड एंड दीज स्टेटमेंट. जो भी आपको सही लगता है प्लीज मैंशन कर दीजिए आंसर ए बी सी आई डी इन द कमेंट सेक्शन. राइट, तो जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन को आंसर करता है. जो भी आपका सही आंसर है मेंशन कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन. मिटियोराइट आर द ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस विच आर ऑल्सो नोन एज स्मॉल एस्ट्रॉइड्स इन स्पेस. देन मिटियोर दैट सर्वाइव्स द एटमॉस्फियर एंड हिट्स द ग्राउंड इज नोन एज मिटियोरॉयड. ठीक है, अमलान ए कर रहे हैं आंसर, मनीष ए कर रहे हैं इसका आंसर, विनीत का आंसर बी है. और भी कोई आंसर करेगा इसको, देखते हैं कौन सबसे पहले सही आंसर देता है. यहां पर शीतल का आंसर ए है. राइट, सो इसका आंसर एक्चुअली डी है. बोथ ऑफ दो स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. मिटियोराइट आर द ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस दैट आर ऑल्सो नोन एज स्मॉल एस्ट्रॉइड. ये चीज गलत है, यहाँ पर चीजों को इंटरचेंज कर दिया गया है. विच मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट, सो वी हैव दिस ऑब्जेक्ट्स इन द आउटर स्पेस जो अर्थ के आसपास वी कैन से कि सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं उन्हें एस्टेरॉयड कहा जाता है. और ये जो सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं जिन्हें एस्टेरॉयड कहा जाता है, ये ऑब्जेक्ट से अगर स्मॉल पीसेस अगर निकल कर आ जाए उन्हें मिटियोरॉयड कहा जाता है. राइट, सो ये मिटियोरॉयड अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं एंड बर्न आउट हो जाते हैं उन्हें मिटियोर्स कहा जाता है. अगर सर्वाइव करते हैं तो मिटियोराइट कहा जाता है. राइट, तो यहां पर अगर वो सर्वाइव करते हैं उन्हें मिटियोरॉयड कहा जाता है, ऐसे लिखा हुआ है. सो दैट इज नॉट करेक्ट, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. राइट, तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है. ज़ुरोंग रोवर, ये स्पेस इन न्यूज से रिलेटेड है. एंड यहां पर ज़ुरोंग रोवर विच इज एम्ड एट स्टडिंग द मार्शियन एटमॉस्फेयर. सो मार्स मिशन है ये, हैज बीन लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ विच ऑफ दीज प्रोग्राम्स. फर्स्ट वन है आर्टेमिस, तियानवन वन मिशन, अल अमल यानी कि होप स्पेस क्राफ्ट मिशन या चंद्रयान 3. जो भी आपको सही लगता है प्लीज मेंशन कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन. यस निधि, हिंदी में भी हमें ही एक्सप्लेन कर रहे हैं. आई ट्राई टू बैलेंस हिंदी एंड इंग्लिश. राइट, तो यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन आपके सामने, ज़ुरोंग रोवर से रिलेटेड मार्शियन एटमॉस्फियर में ये लॉन्च किया गया. कौन से प्रोग्राम का पार्ट है ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इवन इन द रीसेंट जो अगर आप देखें क्वेश्चंस यूपीएससी के, उसमें स्पेसिफिकली इंटरनेशनल मिशंस के क्वेश्चंस आए हैं. राइट, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस. जो भी रीसेंट हैं सिक्स का आंसर दे रहे हैं विनीत बी, अमलान कोई एक आंसर करिए, आप ए भी कह रहे हैं एंड नीतीश बी पक्का कह रहे हैं, बी कह रहे हैं. राइट, शीतल बी, मनीष बी, गोरक्ष ये बी कह रहे हैं, अल्पना बी. राइट, सो इसका सही आंसर ज़ुरोंग. आप दो ही जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तियानवन वन या फिर होप मिशन, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं. द करेक्ट आंसर इज बी. तो आपकी खुशी के लिए क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है, काफ़ी सिंपल मुझे लगता है इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द रीसेंट न्यूज़. राइट, तो यहाँ पर सेवन्थ क्वेश्चन आपके सामने है.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कस्टम्स इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017 इश्यूड इन इंडिया, राइट. तो इन रूल्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, दीज रूल्स आर इश्यूड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, राइट. सो फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट ये है कि ये रूल्स इश्यू किए गए बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. अंडर दीज रूल्स द बेनिफिट of concessional duty on import of goods is available only to the importers who have their own manufacturing facility. So please go through the statements correctly. आप इन statements को जो है पढ़िए and then answer A, B, C, or D जो भी आपको सही लगता है along with the question number. Seventh question is related to customs import and goods, import of goods at concessional rate of duty rules 2017, right? फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है, ये इश्यू किया गया है बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर है कि इन रूल्स के बेनिफिशियरीज ऐसे ही व्यक्ति या एंटिटीज हो सकते हैं हु हैव देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. सो निधि इसका आंसर ए दे रहे हैं, और भी कोई इसको आंसर करना चाहता है प्लीज़ अपना आंसर दे दीजिए. मनीष इसका आंसर ए दे रहे हैं. सो यहाँ पर ओनली है तो थोड़ा ध्यान से आपको आंसर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, और भी कोई अगर इसको आंसर करना चाहता है प्लीज़ अपना आंसर इन द कमेंट सेक्शन दे दीजिए. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो द करेक्ट आंसर इज ए, एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने ही ये चीज़ जो है इश्यू की है, ये रूल्स इश्यू किए हैं इन्होंने. रीसेंट चेंज ये लाया गया है कि अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं भी है इवन देन यू कैन बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी फॉर द इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स जो भी आप करते हैं, राइट. सो यहाँ पर दिया गया था कि ओनली हु हैव दिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो कि सही नहीं है, राइट. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम कह सकते हैं कि ए है. एथ क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा अच्छे से इसको पढ़िएगा. इस तरह की चीज़ें जो है न्यूज़ में आ जाती हैं. सो दिस इज रिलेटेड टू प्लेसेस रीजन्स पीपल एंड कम्युनिटीज इन द न्यूज़ ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उससे. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पर आपको पेयर्स दिख रहे हैं ऑफ प्लेसेस इन द न्यूज़ इन द रीजन जहाँ पर ये प्लेस है. सो क्वेटा सिटी ये जो है नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में दिया गया है. गोमा सिटी इंडियन ओशन रीजन, गैलापागोस आइलैंड पैसिफिक ओशन रीजन, और ग्वाडेलोप आइलैंड जो कि आर्टिक रीजन में है. जो भी आपको सही लगता है ए बी सी डी प्लीज मेंशन कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन अलॉन्ग विद द क्वेश्चन नंबर. देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब इसका देता है. थोड़ा सा सोच के आप इसका आंसर दीजिए. यूपीएससी फंडामेंटल का आंसर आ गया है ए. लेट्स सी और कौन इसका सही आंसर देता है और कौन इसको आंसर करता है. सो प्लीज अपना आंसर विथ रेस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 8 दे दीजिए इन द कमेंट सेक्शन ए बी सी डी जो भी आपको सही लगता है, राइट. क्वेटा सिटी नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, गोमा सिटी इंडियन ओशन रीजन, गैलापागोस आइलैंड पैसिफिक ओशन रीजन, और ग्वाडेलोप आइलैंड आर्टिक रीजन, राइट. तो यहाँ पर विनीत का आंसर ए, शीतल ए दे रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी ए दे रहे हैं. नीरज ने इसे पास कर दिया है, राइट. सो इसका सही आंसर है गाइस बी. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेटा जो है नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, विच इज़ करेक्ट, राइट. सो बी में 1 और 3 यहाँ पर आपको जो है पेयर्स सही हैं. सो गोमा सिटी इंडियन ओशन रीजन दिया हुआ है. इंडियन ओशन रीजन इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ इन कॉन्गो एंड यहाँ पर अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें तो ग्वाडेलोप, फोर्थ स्टेटमेंट इज ग्वाडेलोप आइलैंड्स जो कि आर्टिक रीजन दिया हुआ है. ग्वाडेलोप आइलैंड जो है मेक्सिको के एरिया में, इट इज नॉट इन द आर्टिक रीजन. एंड सो ओनली 1 और 3 यहां पर सही है. गैलापागोस आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन रीजन में ही आता है, राइट. सो बी यहां पर हमारा आंसर बन जाता है. क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 9 इज रिलेटेड टू दिस रीसेंट इनिशिएटिव ऑफ संवेदना. तो संवेदना एक टेली काउंसिलिंग पोर्टल है, क्वेश्चन में दे दिया गया है. इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन इंडिया. इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं, ध्यान से पढ़ते हैं इसको. दिस पोर्टल प्रोवाइड्स काउंसिलिंग सर्विसेज टू वेमेन
ठीक है, तो टारगेट ग्रुप जो है वो यहाँ पर मेन फैक्ट हो जाता है, हु हैव बिकम विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज ड्यूरिंग पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन. सेकेंड यहाँ पर स्टेटमेंट, इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस. राइट, तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है गवर्नमेंट का, उसको ध्यान में रखते हुए सेकेंड स्टेटमेंट आप देखिए, इट वॉज लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005. राइट, तो यहां पर ये चाइल्ड से रिलेटेड कहा जा रहा है, यहां पर वेमेन दिया हुआ है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, उसमें ये इस पर इंफॉर्मेशन है या नहीं ये पूछा जा रहा है. सो नाइन्थ क्वेश्चन का देखते हैं कौन आंसर करता है सही सबसे पहले. यहाँ पर अच्छे से ये स्टेटमेंट्स पढ़िएगा आप, एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. इज द टारगेट ग्रुप वुमेन और इज द टारगेट ग्रुप चाइल्ड? तो यहाँ पर जो है इन द स्टेटमेंट्स इटसेल्फ आपको जो है थोड़ा सा दोनों में क्लैश दिख रहा है, तो कौन सा सही है सोचकर आप नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर करिए. नाइन्थ क्वेश्चन पहला आंसर नीरज ने दिया है, ए यूपीएससी फंडामेंटल ए कह रहे हैं. देन वी हैव मनीष ने स्किप कर दिया, विनीत बी कह रहे हैं. तो इसका सही आंसर यहां पर ए है, काफ़ी लोगों ने सही यहां पर आंसर दिया है. सो ये पोर्टल जो है दिस पोर्टल यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया था दिस पोर्टल इज नॉट रिलेटेड टू वेमेन. ओके, यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, वाइल थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. संवेदना इज रिलेटेड टू चाइल्ड. राइट, सो नॉट करेक्ट था यहाँ पर. सो ये जो है हम कह सकते हैं कि इट इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, एंड सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट सही है, कई सारे लैंग्वेजेस में दिया हुआ है. थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, सिंस नॉट करेक्ट वाज आस्क्ड हमारा आंसर यहाँ पर वन ओनली हो जाता है. टेंथ क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2010 बाय द इंडियन गवर्नमेंट. राइट, फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट रिसेंटली काफी बार न्यूज में था, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द एसोसिएशंस एनजीओस एंड ग्रुप्स हु वांट टू रिसीव फॉरेन डोनेशंस इन इंडिया. ऑल द एसोसिएशंस एनजीओस एंड ग्रुप्स जो फॉरेन डोनेशन पाना चाहते हैं, द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओस अंडर दिस एक्ट इज डन इनडेफिनेटली. राइट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहां पर है, सही है या नहीं आप सोचिए. मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जजेस एंड मीडिया पर्संस आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग एनी फॉरेन डोनेशंस. राइट, जो भी आपको सही लगता है, सिंस करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, आप यहां पर बताइए सही स्टेटमेंट्स. राइट, तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एसोसिएशंस एनजीओस एंड ग्रुप्स हु वांट टू रिसीव फॉरेन डोनेशंस. इज इट फॉर ऑल, एंड इज द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल इनडेफिनेटली? दोनों ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं. देन द थर्ड वन यहां पर है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स है ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज हु आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग एनी फॉरेन डोनेशन. सो यहाँ पर सही स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछा गया था, तो वो चीज़ है. या राइट विनीत अल्पना, यस. तो टेंथ यहाँ पर है, यूपीएससी फंडामेंटल ने आंसर इसका ए दिया है, 1 and 3 ओनली कह रहे हैं. उमर ए दे रहे हैं, मनीष है, राइट राइट राइट, सब लोग ए आंसर कर रहे हैं. वेरी वेल इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट्स. सो यहाँ पर आंसर ए है, 1 and 3 ओनली. ऑफ कोर्स ये जो है एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इट इज नॉट करेक्ट. राइट, सो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत ऑल द एसोसिएशन ग्रुप्स एंड एनजीओस हु वांट टू रिसीव फॉरेन डोनेशंस, उनको वो जो है इसके एम्बिट में आते हैं. रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 5 years, एंड सो सेकेंड वन इज नॉट करेक्ट. राइट, लेजिस्लेचर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब ही फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन उनको नहीं मिलना चाहिए, और दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग दिस. सो 11th क्वेश्चन आपके सामने है. 11th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बहुत ज्यादा रिसेंटली न्यूज में था. यहां पर सिंस ये न्यूज में था, इन डेप्थ हमें पढ़ना होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, एंजल फंड्स, हेज फंड्स आर पार्ट ऑफ कैटेगरी 1 AIF, द वंस दैट इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स. दिस इज प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल विच कलेक्ट्स फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स वेदर इंडियन और फॉरेन. जो भी आपको सही लगता है, ABCID अलॉन्ग विथ द करेक्ट क्वेश्चन नंबर,
करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर पूछा गया है. ऑलवेज लुक फॉर करेक्ट और इनकरेक्ट इनिशियली, राइट. तो यहाँ पर 11th क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एंजल फंड एंड हेज फंड्स आर पार्ट ऑफ कैटेगरी 1 AIF, द वंस दैट इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स. सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ, दिस इज प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल विच कलेक्ट्स फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स वेदर इंडियन और फॉरेन, राइट. तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह से दो तीन चीज़ें दी हुई रहती हैं सभी आप चेक कर लीजिए, राइट. तो सभी चीज़ों को आप चेक करिए, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को आंसर करने आगे बढ़िएगा. सो हियर वी हैव द आंसर्स. UPSC फंडामेंटल सी कह रहे हैं, बोथ आर करेक्ट कह रहे हैं. निधि ए, विनीत बी, उमर बी, शीतल बी, शाहीन बी, अल्पना ए एंड नीरज ने इसे पास कर दिया, राइट. सो इसका सही आंसर बी है. काफ़ी लोगों ने इसको बी आंसर किया है. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की अगर हम बात करें तो प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है. ये कलेक्ट करता है फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स जो कि इंडियन या फॉरेन हो सकते हैं. वी नीड टू रिमेंबर द कैटेगरीज. यहाँ पर कैटेगरी 1, 2 and 3 में 3 कैटेगरीज ऑफ AIF यहाँ पर दिया हुआ है. तो कैटेगरी 1 की अगर हम बात करें तो वेंचर कैपिटल फंड्स, SME फंड, सोशल वेंचर फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंजल फंड जो है वो कैटेगरी 1 AIF में आ रहा है. हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में एंजल फंड्स कैटेगरी 1 इज करेक्ट. बट कैटेगरी 2 की अगर हम बात करें, इसमें रियल एस्टेट, प्राइवेट फंड्स फॉर डिस्ट्रेस्ड एसेट्स, ये सब आ रहे हैं. कैटेगरी 3 की अगर हम बात करें उसमें हेज फंड्स आ रहा है. सो देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन हेज फंड्स एंड एंजल फंड्स. हेज फंड्स जो है रिस्की थोड़े होते हैं, सो दे हैव बीन कैटेगराइज कैटेगरी 3. सो ये कैटेगरी हमें पता होना चाहिए, इन डेप्थ आपको ये चीज पता होना चाहिए, बिकॉज दिस वॉज इन द न्यूज. 12th क्वेश्चन आपके सामने है. A76 आइसबर्ग विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग रिसेंटली न्यूज में था. यू शुड डेफिनेटली बी नोइंग द करेक्ट आंसर फॉर दिस. आपकी खुशी के लिए आई गेस ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है. 12th क्वेश्चन, A76 आइसबर्ग, लार्जेस्ट आइसबर्ग ब्रोक ऑफ विच वॉज पार्ट ऑफ अंटार्कटिक रीजन, आर्टिक रीजन, इंडियन ओशन रीजन और द पैसिफिक ओशन रीजन. 12th क्वेश्चन का एवरीबडी शुड बी गिविंग करेक्ट आंसर. दिस वॉज रिसेंटली इन द न्यूज, राइट. A76 आइसबर्ग, ये कौन से रीजन का? अंटार्कटिक रीजन, आर्टिक रीजन, इंडियन ओशन या फिर पैसिफिक ओशन रीजन. तो यहाँ पर आंसर्स आ गए. UPSC फंडामेंटल ए कह रहे, विनीत बी कह रहे हैं, उमर ए, शीतल ए, विनीत ने आई गेस आंसर चेंज किया, ए कह रहे, अल्पना ए, राइट. सो ये रिसेंटली न्यूज़ में था गाइज, आंसर ए है. अंटार्कटिक रीजन इज द करेक्ट आंसर. वन ऑफ द बिगेस्ट आइसबर्ग्स ब्रोक ऑफ फ्रॉम अंटार्कटिक एंड ये चीज जो है क्लाइमेट चेंज की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, एंड सो दिस वॉज इन द न्यूज़. नाउ 13th क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको जो है पढ़िएगा, गो थ्रू ईच एंड एवरी ऑप्शन प्रॉपरली. ये जो है रिसेंटली 6 इंडियन प्लेसेस जो है न्यूज़ में थे, बिकॉज दे बिकेम द पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. कौन से ऐसे साइट्स है विच आर द न्यू एंट्रेंट्स इन द लिस्ट? मेगालिथिक साइट ऑफ हीरे बंगाल एंड चांपनार, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, सतपुरा टाइगर रिजर्व, ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा. यहाँ पर कहा गया कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पूछा गया है एंड न्यू एंट्रेंस के नाम पूछे गए हैं. सो प्लीज़ गो थ्रू द क्वेश्चन प्रॉपरली. 13th क्वेश्चन आपके सामने है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड पूछा गया है क्वेश्चन एंड फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मेगालिथिक साइट ऑफ हीरे बंगाल, देन चांपनार, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, सतपुरा टाइगर रिजर्व, ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट. तो जो भी आपको सही लगता है थोड़ा सा सोच के अच्छे से आप इसका सही आंसर बताइए, राइट. UPSC फंडामेंटल बी कह रहे हैं, मनीष वेरी गुड, स्किप कर दिया इन्होंने, इन्हें एग्जैक्टली नहीं पता है, गुड मनीष. विनीत डी कह रहे हैं, 1, 3 and 4 ओनली. निधि बी कह रहे हैं, राइट. सो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. विनीत वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट विनीत. तो यहाँ पर जो है रिसेंटली 6 साइट्स वर इन द न्यूज और ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बने हुए हैं. रिसेंट पूछा गया था, यू शुड बी केयरफुल विद द वर्डिंग इन द क्वेश्चन. सतपुरा टाइगर रिजर्व ये है घाट्स ऑफ वाराणसी,
मेगालिथिक साइट ऑफ हीरे बंगाल मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र देन भेड़ाघाट नर्मदा वैली का रीजन ऑफ जबलपुर एरिया टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम सो लेट्स हैव अ लुक ये नहीं है इन द लिस्ट वी ऑल्सो डू नॉट हैव दिस इन द लिस्ट सो हमारा आंसर डी हो जाता है और इफ़ यू नो कि चांपनार पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं या फिर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं प्लीज़ मैंशन कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन एंड यहाँ पर सिंस न्यू एंट्रेंट पूछा गया था यू शुड हैव गिवन द करेक्ट आंसर 14th क्वेश्चन आपके सामने कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स CPIAL कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर्स CPIRL तो फर्स्ट यहां पर स्टेटमेंट है दीज टू इंडेसेस आर कंपाइल्ड बाय द लेबर ब्यूरो इन इंडिया The base year of computation of both of these is 2011. These indices help in the fixation of minimum wages of agricultural laborers and rural unskilled employees. ठीक है तो CPIAL और CPIRL जो है ये indices कंपाइल किया जाता है बाय द लेबर ब्यूरो इन इंडिया इनका बेस ईयर फॉर कंपाइलेशन कंप्यूटेशन 2011 है एंड ये हेल्प करते हैं इन द व्हाट इज़ द पर्पस फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड रूरल अनस्किल्ड एम्प्लॉयज 14th क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देखते हैं कौन सही देता है दिस वॉज ऑल्सो रिसेंटली इन द न्यूज यू शुड बी नोइंग दिस एग्जैक्टली एंड नीरज इसका आंसर सी दे रहे हैं मनोज कुमार ए आई होप आपने 14 क्वेश्चन का ही आंसर दिया है मनोज प्लीज मेंशन द क्वेश्चन नंबर ए दे रहे हैं शीतल का आंसर ए है लेट्स सी यूपीएससी फंडामेंटल का आंसर बी है ओके सो इसका सही आंसर है ए एंड इससे हम ये चीज कह सकते हैं कि 1 and 3 ओनली आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स बेस ईयर में गलती है लेबर ब्यूरो ये रिलीज करता है राइट एंड द पर्पस इज द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स राइट तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे किस तरह से वेरिएशन इन द वेजेस एंड ऑल लेकर आना है वो किया जाता है तो इसका सही बेस ईयर जो है वो नहीं दिया गया था 1986-87 इज द करेक्ट बेस ईयर 15th क्वेश्चन आपके सामने है 15th क्वेश्चन is related to permanent court of arbitration it is an intergovernmental agency under united nations it provides financial assistance to developing countries for meeting costs involved in the international arbitration it is the first permanent intergovernmental organization that provides a forum for resolution of international disputes through arbitration right so please try to answer this question यहाँ पर क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इवन दिस वाज इन द न्यूज़ तो ये बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ जाते हैं द यूपीएससी एग्जाम एंड ऑल्सो यू शुड बी स्विफ्ट टू आंसर द क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपको आंसर करना है देखते हैं 15 का सबसे पहले राइट निधि इन्होंने कुछ आंसर नहीं किया आपने स्किप किया क्या निधि देन यूपीएससी फंडामेंटल कह रहे हैं ए और कोई इसको आंसर करना चाहता है प्लीज़ अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ए यहाँ पर 2 and 3 ओनली 2 only 1 and 3 ओनली 1, 2 and 3 राइट तो यहाँ पर जो भी आपको सही लगता है प्लीज़ मेंशन कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन ए ए ए ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ आंसर्ड इट ए राइट 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 गाइस आंसर इज ए 2 and 3 ओनली Permanent Court of Arbitration is not an agency of the United Nations. You all are right. It provides financial assistance fund. जो है वो financial assistance provide करता है. And this is a first permanent intergovernmental organization. इस तरह का जो dispute resolution का काम करता है. But ये United Nations का एक agency नहीं है. And so we can say इसका answer यहाँ पर 1 is not correct. So 16th question. आपके सामने गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स से रिलेटेड दिस इज रिलेटेड टू वन स्टॉप सेंटर स्कीम कई बार न्यूज में था ये बाय द इंडियन गवर्नमेंट दिस स्कीम इज फंडेड बाय द निर्भया फंड इज इट राइट वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड कास्ट ग्रुप्स आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स अंडर द स्कीम अंडर दिस स्कीम लीगल एड एंड साइको सोशल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस जो भी आपको सही लगता है 1 and 2 only 2 and 3 only 3 only and 1 2 and 3 प्लीज मेंशन कर दीजिए 16 का आंसर इन द कमेंट सेक्शन लेट अस सी कौन सबसे पहले आंसर करता है बी स्विफ्ट इन योर आंसर्स
सो 16 क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वन स्टॉप सेंटर स्कीम. कई बार ये चीज़ न्यूज़ में थी एंड सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस. इज इट फंडेड थ्रू द निर्भया फंड? येस राइट. विनीत ने आंसर डी दिया है. यूपीएससी फंडामेंटल डी आंसर कर रहे हैं. ऑल एजेस के वुमेन इसके लिए एलिजिबल हैं क्या? एंड अंडर द स्कीम लीगल एड एंड साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है क्या? ये पूछा जा रहा है. डी आंसर कर रहे हैं विनीत एंड यूपीएससी फंडामेंटल. और कोई इसको आंसर करना चाहता है? राइट मनोज डी, निधि डी, उमर डी, अल्पना डी. राइट 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 एवरीबडी डी. राइट सो येस गाइज यू आर राइट वेरी प्रॉपरली. आपको ये चीज़ पता है निर्भया फंड के तहत ही इसको जो है फंडिंग दी जाती है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है याद रखिएगा. और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस अंडर वन रूफ टू वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस. राइट. और टारगेट ग्रुप आर ऑल द वुमेन. देर शुड नॉट बी नो डिस्क्रिमिनेशन. कास्ट ग्रुप तो भूल ही जाइए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं इसको जो है करता है. तो दिस इज नॉट देयर. सो ऑल वुमेन से रिलेटेड एक जेनरिक ये जो है इनिशिएटिव है. साइको सोशल सपोर्ट, लीगल एड एंड काउंसिलिंग इसमें प्रोवाइड की जाती है. निर्भया फंड इसको फंड करता है. सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट. डी इज अ करेक्ट आंसर. 17th क्वेश्चन आपके सामने है. कंसिडर द स्टेटमेंट्स. ये है करेंसी विथ पब्लिक इज एन इंटीग्रल कॉम्पोनेंट ऑफ नैरो मनी. तो करेंसी विथ पब्लिक ये एक इंटीग्रल कॉम्पोनेंट है ऑफ द नैरो मनी. अमिडस्ट COVID-19 पेंडेमिक करेंसी विथ पब्लिक हैज़ रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रिपोर्ट. सो रीसेंट ट्रेंड्स भी आपको पता होने चाहिए. एंड करेंसी विद द पब्लिक इज अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग कैश विद द बैंक्स. कैश विद द बैंक्स डिड्यूस करने के बाद टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन में से कैश जो बैंक्स के पास है उसको डिड्यूस करने के बाद करेंसी विद द पब्लिक जो है वो लाई जाती है. उसका कैलकुलेशन होता है. जो भी आपको यहाँ पर सही लगता है, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री करेक्ट यहाँ पर जो है पूछा गया है. प्लीज़ मेंशन कर दीजिए आंसर फॉर 17th क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. थोड़ा स्टैटिक्स, थोड़ा करंट यहाँ पर पूछा गया है. करेंसी विद द पब्लिक नैरो मनी का इंटीग्रल कंपोनेंट है क्या? एंड देन कोविड पेंडेमिक के समय में करेंसी विद द पब्लिक रिड्यूस हुआ है, ऐसा RBI के रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है. करेंसी विद द पब्लिक इज अराइव्ड आफ्टर रिड्यूसिंग कैश विद द बैंक. जो पब्लिक का कैश है विद द बैंक्स उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद फ्रॉम द टोटल करेंसी दैट इज इन द सर्क्युलेशन उसे करेंसी विद पब्लिक कहा जाता है. राइट. UPSC फंडामेंटल सी कह रहे हैं, विनीत सी, मनोज डी कह रहे हैं, शीतल डी एंड उमर का आंसर यहाँ पर डी है. सो यहाँ पर सही आंसर है सी. बिकॉज वी हर्ड, हमने ये चीज़ सुनी है कि कई करेंसी विद द पब्लिक हैज़ एक्चुअली not reduced, it has increased. Okay, so currency with the public will be including the currency of all the groups, सारे groups of people जो हैं. तो high end जो people हैं ज़्यादा जो कमाते हैं उनका जो भी currency है उनके पास जो public money था वो increase हुआ है and overall increase हुआ है. So that is why second statement is not correct. यहाँ पर 1 and 3 only is correct. Currency with public is a part of narrow money and ये जो करेंसी विद पब्लिक है वो अराइव होता है बाय डिडक्टिंग कैश विद द बैंक्स फ्रॉम द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन. जो पब्लिक के पास अपने पास घर पर या कहीं पर पैसे हैं वो ही करेंसी विद द पब्लिक कहलाता है. 18th क्वेश्चन आपके सामने गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स का. एंड यहाँ पर अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैंशन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेहत पोर्टल, ये पूछा गया है. तो सेहत पोर्टल लॉन्च्ड इन इंडिया. फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड सिंगल विंडो एक्सेस टू सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. सो हमारे यहाँ पर फैक्ट हो जाता है सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन. बी है इट एम्स टू प्रोवाइड टेलीमेडिसिन सर्विसेज एक्सक्लूसिवली to serving military personnel and veterans. It has been launched for easing the process of filing the income tax. None of the above is correct. So, जो भी आपको सही लगता है you should be knowing. थोड़ा सा हिंदी अगर आता है you will be able to answer this question. Right? So, उमर कह रहे हैं D, UPSC Fundamental B, शीतल B
और भी कोई इसको आंसर करना चाहता है प्लीज़ अपना आंसर लाइव चैट में दे दीजिए। विनीत का आंसर बी है, मनीष बी है, राइट राइट राइट। सो इसका आंसर बी ही है गाइस। सो सेहत पोर्टल थोड़ा सा हिंदी अगर हम जानते तो टेली मेडिसिन सर्विसेज से रिलेटेड है। या आप कंफ्यूज हो सकते हैं विथ नन ऑफ द अबव, ये जो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं उससे, तो मिलिट्री पर्सनल वेटरन्स इन देयर फैमिलीज को टेली मेडिसिन काउंसिलिंग वो सब प्रोवाइड करने से रिलेटेड ये सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन पोर्टल लॉन्च किया गया था रिसेंटली। सो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, कंसिडर दी स्टेटमेंट्स और उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। इंसा कॉग रिसेंटली ये चीज न्यूज में थी, ऑफन सीन इन द न्यूज, इज ए ग्रुप ऑफ, ये ग्रुप ऑफ लैब्स है दैट इज टास्क्ड विथ स्टडींग वेरियस वेरियंट्स ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के वेरियंट्स को ट्रैक करने का काम है। जीनोम सिक्वेंसिंग इज नॉट इफेक्टिव इन स्टडींग द एफिकेसी ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट वेरियस म्यूटेंट्स ऑफ कोविड-19 वायरस। जो भी आपको सही लगता है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू, प्लीज मेंशन कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। जीनोम सीक्वेंसिंग नॉट इफेक्टिव बोल रहे हैं यहाँ पर, एंड इंसा कॉग फर्स्ट स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ लैब्स है टू स्टडी वेरियंट्स ऑफ कोविड-19। 19 का आंसर यहाँ पर आ गया है। नीरज कह रहे हैं ए, यूपीएससी फंडामेंटल ए, विनीत का आंसर ए, शीतल ए, अल्पना ए, सभी ए, राइट राइट राइट, निधि ए, उमर ए, मनीष ए, ओके। सो यहाँ पर आंसर ए है गाइस, नॉट इफेक्टिव। सो यू ऑल पीपल नो कि जीनोम सीक्वेंसिंग हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट एड एज फार एज फाइंडिंग आउट थिंग्स रिलेटेड टू म्यूटेंट्स। उनका इन्फॉर्मेशन जो है जीनोम सीक्वेंसिंग का वन ऑफ द मेन यूज वही है। तो स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट यहाँ पर। इंसा कॉग इज रिलेटेड टू कोविड-19 के जो वेरिएंट्स हैं उनको ट्रैक एंड उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने से रिलेटेड। सो स्टेटमेंट वन यहाँ पर सही है, स्टेटमेंट टू नॉट इफेक्टिव पूछा गया तो दैट इज नॉट करेक्ट। 20th क्वेश्चन आपके सामने, इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज का, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको आंसर करना है नॉट करेक्ट, राइट। सो दिस इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप एज एन ऑटोनॉमस सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द रंगराजन कमिटी। इट इज़ एन आर्म ऑफ द नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विथ रेस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट रंगराजन कमिटी के रिकमेंडेशन से इसका निर्माण हुआ है, नाबार्ड का एक आर्म है, राइट। सो 20th क्वेश्चन को जल्दी से आप आंसर कर दीजिए। यूपीएससी फंडामेंटल बी कह रहे हैं इसका आंसर नॉट करेक्ट यहाँ पर आपको चुनना है। 20 को स्किप कर दिया है नीरज ने, मनोज कुमार ए कह रहे हैं, विनीत ने इसको पास कर दिया है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो सही आंसर एक्चुअली शुड बी बी, बिकॉज यहाँ पर पूछा गया है नॉट करेक्ट। दिस इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली एन आर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। सो सेकेंड में पूछा गया था कि ये एक आर्म है ऑफ नाबार्ड, सो दैट इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट वन, रंगराजन कमिटी का ये एक रिकमेंडेशन है, सो रंगराजन कमिटी का ये एक रिकमेंडेशन है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड इज नॉट करेक्ट एंड नॉट करेक्ट है टू ओनली, बी शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पर 21st क्वेश्चन आपके सामने है, राइट राइट, मेनी पीपल बी दे हैव आंसर्ड। 21st क्वेश्चन आपका है, कंसिडर दी स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू होलसेल प्राइस इंडेक्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, WPI। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यू शुड बी डेफिनेटली नोइंग दिस आंसर। WPI ट्रैक्स इन्फ्लेशन एट विच लेवल, प्रोड्यूसर लेवल, CPI ट्रैक्स इन्फ्लेशन एट कंज्यूमर लेवल, ओके, एंड WPI कैप्चर्स चेंजेस इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस में चेंजेस कैप्चर किया जाता है WPI, एंड इट इज़ पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 21st क्वेश्चन का जो भी आपको आंसर सही लगता है, 1 and 3 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 3, प्लीज मैंशन कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, राइट। UPSC फंडामेंटल काफ़ी तेज तेज आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। 21 आपका आंसर ए है, UPSC फंडामेंटल के आंसर सही भी हो रहे हैं, गुड UPSC फंडामेंटल। देन उमर का आंसर ए है, ऑलमोस्ट सभी ए आंसर कर रहे हैं, यस मनीष, राइट,
सही पकड़ा आपने। देन नीरज का आंसर ए है, विनीत ए, राइट राइट राइट, अल्पना ए, निधि ए, मनोज ए, राइट। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अगर हम देखें तो WPI tracks inflation at producer level and CPI tracks inflation at consumer level. WPI captures changes in prices in both goods and services. तो actually services नहीं है, second one is not correct, right? It is published by the office of this is correct. So, okay, right. So यहाँ पर answer होना चाहिए A, sorry guys. तो ये यहाँ पर है producer level WPI, that is correct. So WPI producer level का जो है track करता है, and यहाँ पर पूछा गया कि WPI गुड्स एंड सर्विसेज, तो सर्विसेज यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, सो सेकंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। देन यहाँ पर हम देखें ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, दिस थिंग इज़ करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22 यहाँ पर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, परमाफ्रॉस्ट थॉइंग लीड्स टू एन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। 21 का आंसर गाइज 1 and 3 ओनली, ए शुड बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, देर हैज बीन सम इश्यू, राइट। तो 22 यहाँ पर है, परमाफ्रॉस्ट थॉइंग इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाफ्रॉस्ट थॉइंग से रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया, लीड्स टू एन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ओके, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की अगर हम बात करें तो परमाफ्रॉस्ट थॉइंग के वजह से ये होता है पूछा गया। पीटलैंड वेजिटेशन प्रोटेक्ट्स परमाफ्रॉस्ट फ्रॉम इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो पीटलैंड वेजिटेशन प्रोटेक्ट करता है परमाफ्रॉस्ट फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। जो भी आपको सही लगता है, 1 only 2 only, बोथ 1 and 2, नीदर 1 not 2, आप मेंशन कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। 22nd क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको देना है, परमाफ्रॉस्ट थॉइंग ये रिजल्ट करता है इन एन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एंड पीटलैंड वेजिटेशन प्रोटेक्ट्स द परमाफ्रॉस्ट फ्रॉम इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, राइट। 22 UPSC फंडामेंटल ए कह रहे हैं, मनोज कुमार ए कह रहे हैं, शीतल ए कह रहे हैं, सी गेमिंग के द्वारा ए सी कहा गया, अल्पना ए कह रहे हैं, आकाश टी, मनीष है, और भी कोई आंसर करना चाहता है? विनीत का आंसर सी है, राइट, बोथ ए एंड बी, आदित्य एंड शाइन सी, राइट। तो इसका सही आंसर गाइज इज सी, बिकॉज परमाफ्रॉस्ट थॉइंग, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, इट इज़ अ लेयर ऑफ वी कैन से सॉइल एंड वेरियस अदर आइस एंड वाटर, जो कि पूरी तरह से सॉलिड आइस सॉर्ट ऑफ बन जाता है, एंड ये लेयर जब थॉइंग यानी कि वार्मिंग के वजह से पिघलने लगता है, तो इसमें जो भी गैसेस ट्रैप्ड है उनमें से ग्रीन हाउस गैसेस भी एक पार्ट बनते हैं, सो दे स्टार्ट गेटिंग रिलीज्ड। सो परमाफ्रॉस्ट थॉइंग एक्चुअली लीड्स टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। पीटलैंड वेजिटेशन, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो वन थिंग दैट प्रोटेक्ट्स परमाफ्रॉस्ट फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज पीट। ओके, पीट इज द लेयर दैट इज अबव दिस परमाफ्रॉस्ट ऑफ स्लाइटली डिकम्पोज्ड सॉइल एंड ह्यूमस, ये सब जो होता है, तो दैट लेयर कैन बी प्रोटेक्टिंग दिस, और ये एक इंसुलेटिंग सॉर्ट ऑफ लेयर बन जाता है, एंड इट विल बी प्रोटेक्टिंग। सो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, यहाँ पर जिन्होंने भी सी आंसर किया है आपका आंसर सही है। 23rd क्वेश्चन आपके सामने है, GI टैग से रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑफ घोलवाद सपोटा स्वीट डिश है, विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज, कौन से स्टेट के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है? वेस्ट बंगाल, घोलवाद सपोटा वेस्ट बंगाल, इज इट रिलेटेड? जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस आर पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट कम्स अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। सो इज दिस रिलेटेड टू पेरिस कन्वेंशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एंड घोलवाद सपोटा, इसका GI टैग किसके पास है? इज इट विद द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? प्लीज आंसर कर दीजिए। 23rd क्वेश्चन, इफ यू नो द आंसर फॉर दैट, ए बी सी या डी, 1 only 2 only, बोथ 1 and 2, नीदर 1 not 2, जो भी आपको सही लगता है, राइट। UPSC फंडामेंटल का आंसर आ गया है, द आंसर गिवन बाय देम इज बी। आकाश ए कह रहे हैं, निधि ए, शाहीन डी कह रहे हैं, शीतल का आंसर बी है, नीरज बी, 2 only, 23, आकाश का आंसर ए है, राइट, विनीत बी, महाराष्ट्र, ओके ओके,
राइट सो यहाँ पर हमारा सही आंसर है बी, बिकॉज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑफ घोलवाद सपोटा इज हेल्ड विथ महाराष्ट्र. ये फैक्ट थोड़ा बहुत पूछने लगा है यूपीएससी. राइट गाइस, सो रिसेंटली अगर जी आई टैग है तो उसका आपको स्टेट तो कम से कम पता होना चाहिए. एंड पेरिस कन्वेंशन इज एग्जैक्टली राइट. सो दिस पेरिस कन्वेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इससे इसके बेसिस पर जी आई टैग जो है दिए जाते हैं. एंड ये घोलवाद सपोटा महाराष्ट्र स्टेट हैज़ गॉट दिस राइट. सो 24th क्वेश्चन आपके सामने है. कंसिडर दिस स्टेटमेंट्स, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? इन इंडिया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा. सेकेंड स्टेटमेंट है, चीता हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एक्सटिंक्ट इन इंडिया सिंस 1952. चीता इज कंसिडर्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज पार्ट ऑफ IUCN लिस्ट. चीता रिसेंटली न्यूज़ में था फॉर वेरियस रीजंस, यू शुड बी नोइंग दिस. चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट WII वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, इंडिया में एक्सटिंक्ट है और IUCN रेड लिस्ट स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. 24th का आंसर जल्दी से दे दीजिए. UPSC फंडामेंटल लाइक ऑलवेज पहला इनका आंसर है बी. और कोई इसको आंसर करना चाहेगा प्लीज मेंशन कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन. यस अल्पना बी कह रहे हैं. गाइस जब भी कोई स्पीशीज हो IUCN आपको उसका जो स्टेटस है डेफिनेटली पता होना ही चाहिए. आपको कुछ पता हो ना हो, यस यस गाइस ए एंड बी में, यस यस एम चौहान बी कह रहे हैं, शीतल बी कह रहे हैं, मनीष बी, आकाश ए, नीरज बी. ओके सो चीता या इसका सही आंसर है बी गाइस. चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय WII इंडिया में. ये चीता जो है एक्सटिंक्ट है, इसी वजह से री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है. सो 1 and 2 इज करेक्ट यहाँ पर. एंड चीता एक्चुअली इज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड. चीता का अगर हम देखें तो IUCN स्टेटस है वल्नरेबल. सो 3 इज नॉट करेक्ट यहाँ पर, बट दीज 2 आर करेक्ट. और यहाँ पर एक और फिर बदल, मोस्टली ए जो है ए में 1 and 2 ओनली आता है. सो यू मस्ट हैव गॉट कन्फ्यूज्ड, 1 and 2 ओनली, बी इज द करेक्ट आंसर. वेरी अलर्ट पीपल हैव आंसर्ड बी, रेस्ट ऑफ यू थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए. ये फिर से आपकी खुशी के लिए 17+1 कोऑपरेशन फोरम रिसेंटली न्यूज़ में था, तो इस तरह की चीज़ें चीज़ आती हैं. आप ये चीज़ गलती मत करिएगा, क्या पूछा गया क्वेश्चन सही से पढ़िएगा. 17+1 कोऑपरेशन फोरम इज लेड बाय कौन, इसको लीड कर रहा है वो पूछा गया है. राइट तो ए USA, इंडिया, रशिया, चाइना. राइट सिंपल क्वेश्चन 25, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस. रिसेंटली ये न्यूज़ में था. ओके कौन लीड कर रहा है, इवन दो यू नो द आंसर, एक्साइटमेंट में आप क्वेश्चन पढ़ना मत भूल जाइएगा. यहाँ पर पूछा गया कि कौन लीड कर रहा है, वो आपको सही से आंसर करना है. राइट UPSC फंडामेंटल डी आप तो बहुत ही सही तरीके से आंसर कर रहे हैं. एंड नीरज का आंसर डी है, शाहीन डी. राइट 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 गाइस, वर्ड एसोसिएशन आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए. एंड दिस थिंग इज एक्चुअली लेड बाय चाइना. इसमें से लिथुआनिया ने रिसेंटली ऑप्ट आउट किया है. 17+1 कोऑपरेशन फोरम का पर्पस क्या है? इट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप रीजन. सो चाइना अलॉन्ग विद ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ में ये एक कोऑपरेशन फोरम है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड. और ये ऑब्वियसली इज लेड बाय चाइना, दैट इज वाई हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाता है. 26th क्वेश्चन आपके सामने है. एनवायरमेंट न्यूज डोमेन से रिलेटेड, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट ये टर्म न्यूज़ में था. इट इज़ अ थ्रेशोल्ड बियॉन्ड विच द क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इम्पैक्ट्स बिकम इररिवर्सिबल. सेकेंड स्टेटमेंट है, बियॉन्ड दिस पॉइंट आइस लॉस विल गेट आउट ऑफ कंट्रोल लीडिंग टू अ राइज इन सी लेवल्स. तो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. थैंक यू निधि. एंड ये जो है इट इज थ्रेशोल्ड बियॉन्ड विच द क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इम्पैक्ट्स बिकम इररिवर्सिबल. तो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या है जल्दी से बता दीजिए. फर्स्ट स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पकड़ने होंगे. इररिवर्सिबल इम्पैक्ट कहा जा रहा है ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड बियॉन्ड दिस पॉइंट आइस लॉस विल गेट आउट ऑफ कंट्रोल लीडिंग टू अ राइज इन सी लेवल्स. यस 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 गाइस,
नीरज सी यूपीएससी फंडामेंटल सी, सेकंड हो गए यूपीएससी फंडामेंटल, अल्पना सी, शीतल सी, एम चौहान कह रहे हैं सी, विनीत सी, मनीष सी। राइट गाइज, द आंसर इज सी, क्लाइमेट चेंज इरिवर्सिबल होगा, तो ऑब्वियसली द आइस लॉस विल ऑल्सो बी इरिवर्सिबल। थोड़ा सा आप इसको लिंक कर सकते हैं, बट यू शुड नो द बेसिक मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट। इट इज अ पॉइंट वेर इन एक्सेस अबेट लॉन्ग टर्म क्लाइमेट इम्पैक्ट एंड मेकिंग अडोप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज हार्डर। यानी कि इस पॉइंट के आगे आप जो है क्लाइमेट चेंज के वजह से जो वेरिएशंस आए हैं उन्हें रिवर्स नहीं कर सकते। दिस अप्लाई to the ice sheet also, or ice loss agar hota hai as given in the question, it will get out of control and rise in the sea levels, iske wajah se ho sakta hai, and so yahan par dono hi statements correct hai, and C is our correct answer. 27th question aapke samne hai, Bordeaux was were रिसेंटली इन द न्यूज़, येस येस, यू पी एस सी फंडामेंटल, इट वॉज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट, येस। सो यहाँ पर पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू बोडोस, एक कम्युनिटी जो कि आसाम में थी, दे आर वन अमंग द नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब इन द स्टेट ऑफ आसाम। यू शुड बी नोइंग दिस गाइस, न्यूज़ में था। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इज एन ऑटोनॉमस बॉडी सेटअप अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं आप यहाँ पर हाईलाइट नहीं करूँगा, यू शुड बी नोइंग दिस थिंग। जो भी सही आपको लगता है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू, प्लीज मैंशन कर दीजिए द आंसर फॉर दिस। 27 का आंसर येस, यू पी एस सी फंडामेंटल ए दे रहे हैं, येस विनीत का आंसर सी है, एम चौहान ए, नीरज ए, गेमिंग का आंसर सी, शीतल का आंसर यहाँ पर है ए, मनीष राइट, मनीष, उमर ए, अल्पना ए, या निधि ए, राइट, यस। सो आंसर यहाँ पर ए है, नॉट फिफ्थ, इट इज सिक्स्थ शेड्यूल, राइट। तो यही यहाँ पर डिफरेंस है, इट इज़ अ नोटिफाइड ट्राइब, बोडो इज अ नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब इन असम। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है हमारा, ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल। सो विच ऑफ द स्टेट्स आर इन फिफ्थ शेड्यूल, विच आर इन सिक्स्थ शेड्यूल, और क्या उनका इंपॉर्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ दिया हुआ है, सो सेकेंड यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाता है, हमारा आंसर ए है। 28th क्वेश्चन आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, रिसेंटली न्यूज में था, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्मुलेटेड विद एन इंटेंट टू रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ पेंशन मार्केट इन इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी ईजी फॉर यू, अलॉन्ग विद एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, इट ऑल्सो रेगुलेट्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हु हैव subscribed for the national pension scheme। जो भी आपको सही लगता है ए बी सी आई डी, प्लीज मैंशन कर दीजिए इसका आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यस शीतल, यस अल्पना, यस सिक्स्थ शेड्यूल। सो 28th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर्मुलेटेड विद एन इंटेंट टू रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ पेंशन मार्केट इन इंडिया। क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज द मेन थिंग, एंड इसका पर्पस क्या है पूछा गया है। देन एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के लिए है। 28 का आंसर आने लगा है, सो आई गेस फर्स्ट आंसर उमर ने किया है, सी किया है इन्होंने, यूपीएससी फंडामेंटल सी, यस एम चौहान बी, मनीष सी कर रहे हैं, शीतल सी, मानस सी, अल्पना का आंसर सी है, नीरज का ए, राइट गाइस। तो इसका यहाँ पर सही आंसर है सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। PFRDA इज एक्चुअली अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, और ऑब्वियसली एज अ नेम सजेस्ट पेंशन मार्केट्स को जो है ग्रो करने से रिलेटेड है, एंड ये NPA स्कीम को जो है गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उनका पूरा रेगुलेशन का जो से रिलेटेड अथॉरिटी बनाया गया है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट है। तो 29th क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग डोमेन से कंसीडर दीज विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, एंड करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर पूछा गया है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस काउंसिल। ऑलवेज इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, तो विद रेस्पेक्ट टू इंडिया वी हैव टू नो थिंग्स। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर इलेक्टेड थ्रू अ डायरेक्ट एंड सीक्रेट बैलेट बाय द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ओके, 29th क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू
यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ये कहा जा रहा है, एंड द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर इलेक्टेड थ्रू दिस डायरेक्ट एंड सीक्रेट बैलेट बाय मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस. जो भी आपको सही लगता है प्लीज़ मेंशन कर दीजिए ए बी सी या डी इन द कमेंट सेक्शन. राइट 29 का आंसर आने लगा निधि शाहीन का पहला आंसर आई गेस नहीं एम चौहान राइट सो बी एम चौहान का पहला आंसर है बी कह रहे हैं देन निधि का आंसर बी शीतल बी ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ बी. यूपीएससी फंडामेंटल का आंसर डी है इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर यहाँ पर कहा गया है एंड ये जो है मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली. सो इसका सही आंसर गाइस बी है. इंडिया रिसेंटली एक मेंबर बना है एक मेंबर बना है इसका फॉर 3 ईयर्स पीरियड एंड नॉट अ मेंबर जो कहा गया था वो सही नहीं है. सेकंड यहाँ पर जो इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जो इलेक्ट करते हैं एंड देन दे बिकम पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल सो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाता है. लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स से रिलेटेड. थोड़ा सा आप टाइम लीजिएगा इसमें एंड देन आंसर दिस क्वेश्चन. पहले से ही कई बार आपने ये चीज़ पढ़ी होगी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से रिलेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. इम्यूनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट 12 वैक्सीन्स का यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस मेंशनड आर कवर्ड अंडर द प्रोग्राम. जापानीज एनसेफेलाइटिस, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट सिंड्रोम, रुबेला, मेनिनजाइटिस, पोलियो. सॉरी गाइस यहाँ पर आंसर आ गया है बट देन लेट्स हैव अ लुक एट दिस. सो कौन कौन से यहाँ पर जो वैक्सीन्स है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस है उसके खिलाफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है एक्ट करता है. जापानीज एनसेफेलाइटिस इज करेक्ट यहाँ पर, रुबेला इज करेक्ट, मेनिनजाइटिस, पोलियो. बट देन इफ यू सी सेकेंड न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट सिंड्रोम दिया हुआ है दैट इज़ नॉट राइट. हमारा आंसर यहाँ पर ए है जो बाय मिस्टेक आ गया है एंड ये यहाँ पर है न्यूमोकोकल न्यूमोनिया. तो थोड़ा सा यहाँ पर फेरबदल किया गया है गाइस सो एज टू कन्फ्यूज यू. यस यस शीतल तो दैट वॉज मिस्टेक. सो यहाँ पर न्यूमोकोकल न्यूमोनिया इज द करेक्ट थिंग क्या दिया गया है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट सिंड्रोम. थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है. एंड व्हाट आर दीज डिसीजेस, 9 diseases डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, रुबेला एंड ट्यूबरकुलोसिस इन चिल्ड्रन, हेपेटाइटिस बी, मेनिनजाइटिस, न्यूमोनिया ये सब जो है इसमें आते हैं. 3 more diseases टोटल 12 diseases जो कि रोटा वायरस, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस इसका पार्ट बनते हैं. प्लीज़ मेंशन योर स्कोर. सॉरी गाइस आई फॉरगॉट टू टेल यू कि आप अपना स्कोर जो है करते रहिए कैलकुलेट. यूपीएससी फंडामेंटल नाइस 25 इज रियली गुड स्कोर. निधि का 17 है, अल्पना 21, ग्रेट अल्पना. और भी कोई जिसने अपना स्कोर कैलकुलेट किया हो प्लीज़ मेंशन कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन. राइट 23 शीतल. राइट गाइस सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज और भी कुछ आप बताना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर और यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com. यू कैन अवेल आर कोर्सेज ऑन www.courses.civilstep.com. राइट गाइस आई होप या विनीत का 21 राइट राइट गुड गुड शीतल राइट. सो लेट्स एंड द सेशन हियर गाइस. थैंक यू.